And for all your filmy updates, please subscribe to Dot Entertainment. Basically बाहर ही थे, कुछ नहीं किया हमने अब तक। पर मुझे ऐसे देख के वैसे बुरा लगा कि मुझे वापस भेजना पड़ रहा है, बट no, थोड़ा सा इट्स वेरी ये भी इस बात मैंने ज्यादा लोगों को भी नहीं बुलाया, ये बहुत ही क्लोज फैमिली फंक्शन है, पर आप लोग भी फैमिली हो, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो बाइक चाहिए मैं दे देती हूँ, और फिर आप लोग भी आराम करिए, हम भी एंजॉय करते हैं। अब परसों मिलेंगे पक्का, सबको मैंने पर्सनली इनवाइट भेजा है सबके चैनल्स पे। बुलेट चलो चलो बुलेट बूम हटाओ बूम माइक हटाओ किसी मोबाइल पे ये लो लाइट कौन मारा यार व्हाइट लाइट तो नहीं यार ये मेहंदी ऐसे रख सकते हो आप ऐसे हाथ रख सकते हो अरे यार ऐसे रखोगे ना तो गणपति जो मंत्र है ना हाँ हाँ बस बस ये सेम 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 रुको रुको जरा अरे ठीक है रुको तेवंदर देखने के लिए अरे ना क्या हो रहा है देखो मेरी हीर ओके यल गो विल फिनिश दिस व्हाई हाउ मेनी कल पे सो गया नहीं होल्ड 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 बाय बस हो गया ओके थोड़ा सा ऐसे नीचे कर दे सबसे पहले तो शुरुआत होगी है क्या कहना चाहेंगे शादी के पहला फंक्शन है आज मेहंदी और संगीत का एक्चुअली पहला फंक्शन नहीं है लेकिन हाँ पहला जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं इससे पहले एंगेजमेंट हुई है उसके बाद हल्दी हुई है और अब मेहंदी हुई है और बहुत पेशेंस चाहिए मेहंदी लगाने के लिए बाप रे 2 बजे से मैं बैठी थी एटलीस्ट आई थिंक 6 घंटे लगे हैं तो मुझे जब 6 घंटे लगे मेहंदी लगाने में तो ये समझ में आया कि हाँ आज मेरी मेहंदी है सुबह हल्दी हुई क्या कहना चाहेंगे इतने अच्छे इमोशनल मोमेंट्स रहे कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर मैं एक्चुअली सुबह बहुत इमोशनल हो गई थी मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो मुझे हल्दी लगाते लगाते रो पड़ी तो मुझे भी रुला दिया एंड मुझे सारे रस्म ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने शलभ को पहले ही कहा था कि मैं शादी चाहे बड़ी करूं या छोटी करूं मैं रस्म जो भी है वो हर एक करना चाहती हूं तो मुझे ये सारे बहुत अच्छे लगते हैं तो जब हमने एंगेजमेंट की तभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था हल्दी भी मुझे बहुत मज़ा आया सिर्फ मेरी हल्दी नहीं थी जितने लोगों ने मुझे हल्दी लगाई मैंने सबको हल्दी लगाई है बदले में सो इट वाज टू मच ऑफ फन एंड अब हो रही है मेहंदी मेहंदी आपकी बड़ी अच्छी लगी प्लीज सर कैमरा में दिखा सकते हैं आप मेहंदी को ये है अगर ऐसे दिखाऊंगी तो थोड़ा उल्टा लगेगा तो काफ़ी कुछ लिखा है मैंने यहाँ पे काशा लिखा हुआ है यहाँ पे SNK लिखा हुआ है यहाँ गणपति का मंत्र है और यहाँ पे गणपति का फेस भी है तो और कई इसमें कहीं शलभ का नाम भी है जो मुझे भी नहीं मिल रहा सीरियसली तो थोड़ी डिटेलिंग मैंने की थी अपने फंक्शन के पहले मैंने मेहंदी वाली का बहुत सर खाया था कि मुझे क्या क्या चाहिए तो वो कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग है इसमें एंड देखते हैं हम कलर कैसे आता है
मैं यही कह रहा था, बहुत बढ़िया किया है जिसने भी काम किया है, एंड यू नो जो डिटेलिंग की है बहुत बढ़िया काम है. और अब मेरा काम है इसमें शलभ ढूंढना. तो मुझे पता है अब इसमें सारे शलभ के अक्षर ढूंढने हैं मेरे को इसमें. It will be. ये बहुत कमाल तरीके से लिखा है. अगर आप लोग भी ढूंढे आपको भी नहीं मिलेगा. बहुत कमाल तरीके से लिखा है. ये हमेशा ही करते हैं. हमेशा ही करता हूँ मैं, हमेशा सबके साथ. ऐसी थोड़ी ना शादी कर रही हूँ मैं. हम दोनों ही बहुत ज़्यादा रिलीजियस है और हम चाहते थे कि हमारी शादी और एंगेजमेंट दोनों ही या मंदिर में हो या गुरुद्वारे में हो. तो कल गए थे और हमने मत्था टेका और रिंग्स एक्सचेंज की और बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट ये अपने घुटनों पर चले गए थे जो मुझे नहीं पता था और इन्होंने बाकायदा मुझे प्रपोज़ किया है. एक्चुअली कल प्रपोज़ डे था तो यू नो मैंने उस मौके का फ़ायदा भी उठाया और मुझे लगा शायद यहीं पे अगर ये मना कर देगी तो क्या होगा. बट मैंने थोड़ा सा वक्त लिया हाँ बोलने के लिए लेकिन फिर कह दिया. लास्टली लुक के बारे में प्लीज़ बता देंगे आप. मैंने अपनी डिज़ाइनर जो यहीं पे एक्चुअली अनुराधा, मैंने उसका बहुत सर खाया था और मैं चाहती थी कि सारे लहंगे पहनूं मैं, क्योंकि साड़ीज़ मैं पहनती रहती हूँ, हर साल गणपति में साड़ीज़ पहनती हूँ. मैं चाहती थी कि मैं फील लूं अपनी शादी का और मैं सारे लहंगे पहनूं, लेकिन हर लहंगा अपने आप से अलग होना चाहिए. तो क्योंकि ये मेहंदी है तो मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा हो जिसमें दुपट्टा ना हो और कम्फर्टेबल हो और एट द सेम टाइम बहुत बढ़िया भी लगे. तो ये मैंने सोचा था और मुझे कुछ चमकीला चाहिए था. तो और मिरर वर्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये रहा मिरर वर्क. और कुछ ऑब्वियसली अनुराधा का भी दिमाग है, मैंने सिर्फ उससे बताया था कि मुझे क्या चाहिए. तो ये अनु का कमाल है, दैट्स इट. और कल जो लहंगा होगा वो अलग होगा, परसों जो होगा वो अलग होगा. तो तब आप बताना कि कितनी मेहनत की है मैंने और सही किए कि नहीं. थैंक यू सो मच. एंड मेरी हर मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं आप सब. मेरी खुशी का हिस्सा बनने आप सब आए हैं. मैं हाथ तो नहीं जोड़ सकती, थोड़ा जोड़ने की कोशिश करती हूँ. आप सबको बहुत 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 शुक्रिया. एंड आप सब आइए और मुझे दुआ दीजिए. एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. परसों मिलते हैं. यस सर. गुरुद्वारे में अलाउड नहीं होगा. ए मेरे पापा मनोज को केवल पीछे अरे और पीछे आना दादा, रवि थोड़ा पीछे आना भाई. ए मेरे भाई फोन पीछे हो और क्लिक कर दो. एक मिनट रुक, तू भी सुन नहीं आ रहा. ए मेरा जरा और पीछे और पीछे. मैडम जी एक मिनट. हम थोड़ा मेहंदी मेहंदी बाद में निकालते हैं. हमारी फेवरेट मैडम या ओके हो गया. थैंक यू. ओके थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू. थैंक यू काम्या. चलो एंड फॉर ऑल योर फिल्मी अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू डॉट एंटरटेनमेंट. फॉर फिल्मी अपडेट्स प्लीज डू सब्सक्राइब टू डॉट एंटरटेनमेंट. हाय दिस इज नभा नटेश. प्लीज सब्सक्राइब टू डॉट एंटरटेनमेंट.